हाय स्क्रीन मेंबर्स, व्हाट्स अप। तुम्हें पता है कि बहुत सारी लड़कियां मास्टरबेट करते हैं, लेकिन इनमें से कई के लड़कियां हैं जिनको मास्टरबेट करना पसंद ही नहीं है। वो किस लिए? क्योंकि उन्होंने उनका मतलब उनको मास्टरबेट करने से कोई फील ही नहीं आता। और बहुत सारी लड़कियों का ना बहुत सारा अलग सा ऑर्गेजम होता है। लाइक किसी लड़की को इससे मज़ा आता है तो किसी लड़की को दूसरे चीज़ से। You got it, right? तो अगर तुम्हें मास्टरबेट करना पसंद नहीं है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। और जिन लोगों को मास्टरबेट करना पसंद है तो तुम भी ये वीडियो देख सकते हो तुम्हारा मास्टरबेशन लाइफ, सोलो लाइफ स्पाइस अप करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कितने टाइप्स का मास्टरबेशन, फीमेल मास्टरबेशन होता है। तो अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल का कंटेंट विजिट करोगे, चैनल का कंटेंट पसंद आया तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि नोटिफिकेशन तुमको मिल जाए। मैं हमेशा ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। सो वेलकम टू माय चैनल मिस प्लैनेट, हियर वी गो। नंबर वन, क्लिटोरल मास्टरबेशन। लाइक क्लिटोरिस सबको पता है, वेजाइना के ये चीज़ मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया क्लिटोरिस के बारे में। ये ना लड़कियों का एक वो अलग से नर्व पॉइंट होता है, यहाँ पे बहुत सारा नर्व स्क्रैनिंग होता है तो लड़कियों को बहुत ऑर्गेजम फील होता है। तो तुम अगर एक लड़की हो, क्लिटोरिस को कैसे मास्टरबेट आई मीन स्टिम्यूलेट करना है, दो तरफ हो सकता है। लाइक डायरेक्ट तुम क्लिटोरिस पे वहाँ पे स्टिम्युलेट कर सकते हो, या फिर तुम स्किन जो तुम्हारा वेजाइनल के वो लिप्स जो बोलते हैं ना, उस स्किन के ऊपर से तुम स्टिम्युलेट कर सकते हो। तुम ऐसा कुछ सकते हो लाइक स्लो मोशन, राउंड, अप एंड डाउन। एंड मोस्ट लाइकली ज़्यादातर लड़कियाँ ना स्किन के ऊपर से रफ मसाज पसंद करते। तो तुम अगर नॉर्मल मास्टरबेशन से पसंद नहीं आता और तुम्हें मास्टरबेशन पसंद नहीं आता तो ये क्लिटोरी स्टिमुलेशन तुम ट्राई कर सकते हो। नंबर टू, वेजाइनल मास्टरबेशन। लाइक वेजाइनल तो सबको पता है, एक या फिर दो या फिर तीन या फिर हाथ घुसा दो, मैम जोकिंग, एक दो उंगली काफ़ी है। लेकिन इससे बेहतर होगा कि अगर तुम सेक्स टॉय पसंद करते हो तो सेक्स टॉय से भी कर सकते हो। वेजाइनल इट्स लाइक अ पेनेट्रेशन, पेनेट्रेट करते रहो अपना उंगली से, एक या दो उंगली से पेनेट्रेट करते रहो, देखो कि तुम्हारा कैसा फील आ रहा है। और ये मत करना कि एक ही राइम पे, राइम कभी स्लो करो, कभी उंगली को गोल गोल अंदर घुमाओ या फिर कभी रफ करो, जो भी राइम तुम्हें पसंद है उस राइम पे तुम कंटिन्यू करते रहो। तुम्हें खुद अपना राइम ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारी लड़कियों को स्लो राइम पसंद है तो बहुत सारे हार्ड, तो तुम्हें कौन सा पसंद है ये तुम डिसाइड करोगे आफ्टर मास्टरबेटिंग। नंबर थ्री, एनल मास्टरबेशन। यार इसमें बड़ी बात कुछ नहीं है। हाँ, पहली बार एनल मास्टरबेशन के लिए शायद तुम्हें लुब्रिकेंट की ज़रूरत पड़ी या फिर बट प्लग, जो भी है लुब्रिकेंट की ज़रूरत पड़ेगा। तो एनल मास्टरबेशन तुम एक फिंगर, दो फिंगर, और हाँ हमेशा अपना नाखून साफ रखना ड्यूरिंग मास्टरबेशन, नहीं तो तुम्हें तकलीफ हो सकता है। तो एनल मास्टरबेशन के टाइम तुम अपना जो भी है पेनेट्रेट करो, एक उंगली, दो उंगली या फिर तुम्हारा सेक्स टॉय से कर सकते हो। हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि इट विल हर्ट यू अ लिटिल बिट मोर देन वेजाइनल मास्टरबेशन। और बाकी सब तो सेम है, लाइक वेजाइनल, स्लो, मूव अराउंड, डीपर, जो भी तुम्हें पसंद है वो टाइम तुम खुद ही ढूंढ लो। नंबर फोर, कॉम्बो मास्टरबेशन। कॉम्बो में यहाँ पे अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल होता है। कॉम्बो लाइक इट्स वेरी सिंपल दैट दोनों हाथ को किसी न किसी काम पे लगाओ। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, एक हाथ से तुम क्लिटोरिस स्टिम्युलेट कर रहे हो, दूसरे हाथ से तुम वेजाइनल मास्टरबेट, वेजाइना पेनेट्रेट करो, या फिर एनल उसके साथ साथ, या फिर वेजाइनल एंड एनल मास्टरबेट। तुम जो भी कॉम्बो रख सकते हो। और हाँ, इसके चीज़ तुम अपना वो अच्छे अच्छे स्पॉट्स को मास्टरबेटन आई मीन कॉम्बो में रख सकते हो। पाँच नंबर पे तुम्हारा वो सेंसिटिव स्पॉट्स। लाइक देखो, ऐसा भी लड़कियां होता है जिनको एनल सेक्स, वेजाइनल सेक्स से फील नहीं आता उतना, लेकिन उनका वो सेंसुअल स्पॉट्स से आता है। लाइक उनका बूट्स, निपल्स, इनर थाइज, बैक बोन,
ईयर्स। ऐसे ऐसे बहुत सारे जगह है जो मैंने इस वीडियो पे बताया, तुम अगर देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे देख लो, 5 ऐसे अनोखा स्पॉट्स के बारे में मैं बताया। तो किसी किसी लड़कियों को ना उन सारे स्पॉट्स से ऑर्गेजम मिलता है, तो अब पता चला कि शायद तुम गलत इस्तेमाल कर रहे थे, गलत मास्टरबेट कर रहे थे। तुम अपने आप को ना एक्सप्लोर करो कि किस चीज़ में तुम्हें अच्छा लग रहा है। एंड यू नो, मास्टरबेशन से तुम्हारा दिमाग हल्का होता है और बहुत अच्छा फील होता है। सो अगर तुम सिंगल हो या फिर मुझे नहीं पता, लेकिन मास्टरबेशन विल हेल्प यू अ लॉट, स्ट्रेस रिलीज करेगा, बहुत कुछ करेगा। तो हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो। और हाँ, अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो, मेरा चैनल का कंटेंट विजिट करोगे, चैनल का कंटेंट पसंद आया दिन चैनल पे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि नोटिफिकेशंस तुमको मिल जाए। मैं हमेशा ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। सो एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी, बाय।